हरियाणा के सोनीपत में एक गांव है खुरमपुर। यहां के किसान लाठी गोली और पत्थरों से बचने के लिए बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर बनवा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहां के किसान खेतों में खेती करने जाते हैं या फिर ट्रैक्टर पर सवार होकर जंग लड़ने जाते हैं, लेकिन किसान भी क्या करें, जिंदगी सभी को प्यारी होती है और आए दिन अगर पानी की तरह खून बहे तो जंग से लड़ने या बचने के लिए हथियार तैयार करना मजबूरी बन जाता है। जंग का कारण जमीनी विवाद है, बॉर्डर यमुना नदी है और ये दुश्मनी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती किसानों के बीच चल रही है। दशकों पहले शुरू हुआ यमुना क्षेत्र का ये विवाद अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है और उसका अंजाम ये होता है कि आए दिन यूपी और हरियाणा के किसानों में पत्थर और गोलियां चलती हैं और खेतों में धरती पुत्रों की लाशें गिरती हैं। जी हाँ, सीमा विवाद के इस खूनी संघर्ष में कई जिंदगियां गंवाने के बाद सोनीपत के गांव खुरमपुर के किसान बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर बनवा रहे हैं। किसानों का कहना है कि जिंदगी अनमोल है और इसे बचाने के लिए उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर बनवाया है। खुजी, हमारा जो गांव है वो जमुना के नजदीक है और हमारा और यूपी वालों का झगड़ा काफी दिन से चल रहा है, करीब 20-25 साल से। तो वे आवे कभी तो अपने पशु बांट देते हैं हमारी फसल में, कभी वे अवैध हथियार ले गए, लाठी डंडो ले गए, काफ़ी तादाद में आते हैं वे लोग उधर से। जब जमुना में पानी कम हो जाए, हम इधर से फसल काटने जाओगे, वे हमारे पे अटैक कर देंगे। हम अपने नौकरों को भेजें, वे उन्हें पीट पाट के भेज दें। इसी वजह से हमने ये बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर बनवाए हैं, क्योंकि जब हम जाएँ कम से कम हम तो सुरक्षित रह सकें। क्या क्या व्यवस्था है ट्रैक्टर में? इसमें जी CCTV कैमरे लग रहे हैं, ये बुलेट प्रूफ है पूरी तरह से। AC भी है? हाँ, CCTV लग रहे हैं इसमें। AC भी लगाई है? AC लगा हुआ है इसमें, तो इसी वजह से हमने ये बनाया। करीब 5 लाख रुपए खर्च करके किसानों द्वारा बनवाए गए बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर में कई प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये ट्रैक्टर बुलेट प्रूफ है। इसमें लगे कांच और लोहे की चादर इतनी मोटी है कि इस पर ना तो लाठी और ना ही डंडा का असर होता है और ना ही गोलियों का असर। अगर इस ट्रैक्टर में सुख सुविधाओं की बात की जाए तो इसमें AC से लेकर हर चीज की सुविधा मौजूद है, जिसमें खासकर CCTV है, क्योंकि अगर कोई वारदात किसानों के साथ होती है तो वो घटना ट्रैक्टर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो जाती है। ये हमने हैवी से हैवी इसमें शीशा और ये चादर लगवाई है। अच्छा अच्छा। हाँ, ताकि इसमें गोली भी पार ना हो सके। अच्छा अच्छा जी। इसको क्या क्या इसमें लगवाया आपने? इसमें हमने अंदर जैसे बैठते हैं तो गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो AC लगवाया, फिर ये कैमरे लगवाए जी। अच्छा, कितनी लागत आई और कहाँ तैयार करवाया? इसमें करीब 5.5 लाख रुपए एक ट्रैक्टर में लागत आई है जी, और ये हमने सोनीपत जी। इसमें किस चीज का यूज किया गया जो बनाने में, जो आपका कैबिन बनाया गया? शीशे का और लोहे का जी। इसके अलावा CCTV कैमरे, LED स्क्रीन। हाँ, CCTV कैमरे अपने बचाव के लिए लगाए जी। जी, अपने बचाव के लिए। अच्छा। क्योंकि जान जो है ना वो ज्यादा प्यारी है, पैसे की तो इतनी अहमियत नहीं है जितनी। इसका कोई अभी तक समाधान नहीं निकला? नहीं, कोई समाधान नहीं। उससे परेशान होकर ये इतना खर्च? हाँ जी। ये एक ही ट्रैक्टर है? दो ट्रैक्टर है। दरअसल सोनीपत के किसानों ने बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर तो काफी दिनों पहले ही तैयार करवा लिया था, लेकिन ये सुर्खियों में इसलिए आया है क्योंकि 5 दिन पहले यूपी के सैकड़ों किसानों ने एक बार फिर से सोनीपत के किसानों पर पत्थरों और गोलियों से हमला कर दिया था। इस हमले में बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर पर गोलियों के निशान भी लगे हैं, जिसको लेकर किसानों में भारी रोष है। हमारा गाँव कति जमुना के किनारे पे है जी, नंगड़ा पेलोल पर से हमारा काफी समय से यूपी के किसानों से झगड़ा चला हुआ है। 1997 से की बात है, तब से झगड़ा चला हुआ है। मेरे ताऊ महेंद्र प्रधान थे उस टाइम 1997 में, उनके भी वे यूपी के कुछ आदमी गोली मार के गए हुए थे, झगड़ा हुआ था। अवैध हथियारों से हमारे पे अटैक करते थे, जब भी हम वहाँ पे जाते हैं खेती में करने के लिए, अपने उन्हें जुताई करते समय या बुआई करते समय या फसल काटते समय, तभी वे हमारे ऊपर अवैध हथियारों से नंगड़ा पेलोल पर गांव जमुना के उधर है जी, परली साइड, वे आके जताते हैं जी कि ये जमीन हमारी है और ये जमीन हमारी का कदीमी पड़दादाओं के टाइम से जी हम ही बोते करते आ रहे हैं और हम ही कर रहे हैं। जमुना के इस पार आती है, ये जमुना के इस पार आ जाते हैं जी, जैसे जमुना में पानी वे हो जाता है जी, तभी वे इधर आ जाते हैं जी। हम अपने खेतों में जाते हैं,
तभी वे अवैध हथियारों पे आके हमारे पे अटैक कर देते हैं, और फिर जब प्रशासन हमारा इधर से जाता है उन्हें पकड़ने के लिए, वे जमुना कूद जाते हैं जी। हाँ जी, अभी 5 दिन पहले भी हमारे पे अटैक हुआ जी। हम अपने खेतों में गए थे जी अपनी सरसों की फसल काटने के लिए, तभी उधर से आगे 40-50 यूपी के आदमियों ने आके हमारे ऊपर अटैक कर दिया और अंधाधुंध फायरिंग करी जी अवैध हथियारों पे। 2 बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर बनवाए जी हमने, इसलिए 1 ट्रैक्टर पे 5.5 लाख का खर्च। हरियाणा और यूपी के किसानों के बीच सीमा विवाद सन 1997 से चला रहा है। दोनों प्रदेश की सरकारें और प्रशासन लाख कोशिशों के बाद भी इस समस्या का समाधान कर पाने में नाकाम रही हैं, क्योंकि यमुना नदी अपना बहाव कभी उत्तर प्रदेश तो कभी हरियाणा की तरफ कर लेती है और यही विवाद का कारण बन जाती है। हालांकि इस पूरे मामले में सोनीपत कुंडली थाने के DSP वीरेंद्र रावत का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। भाई काफ़ी पहले से, कई सालों से मामला चल रहा है, इसमें माननीय हाईकोर्ट में भी चल रहा है और दीक्षित अवार्ड भी इसी से रिलेटेड था, और अभी 4-5 दिन पहले इसकी प्रशासन ने निशानदेही भी कराई है, वो रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इस मामले में इनके पीछे झगड़ा भी हुआ था और पहले ही मामला दर्ज है, इसके भी इन्वेस्टिगेशन चली हुई है, निशानदेही की भी वेटिंग है। था सर, यूपी के किसान बार बार बता रहे हैं, आ रहे हैं, तो वहाँ के प्रशासन से भी बातचीत हुई है? इनका बहुत पहले से डिस्प्यूट है, हमारा प्रशासन इसका निशानदेही की है, उन्होंने यहाँ से गर्दा और पटवारी वगैरह गए थे और निशानदेही की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। सर, इन्होंने बुलेटप्रूफ ट्रैक्टर बनवाए, उस पर काफ़ी गोलियों के निशान मिले हैं। हाँ जी, उसमें मामला दर्ज किया गया? हाँ जी, उसमें पहले से ही मामला दर्ज है और इसकी इन्वेस्टिगेशन। वैसे तो प्रशासन लाख दावे करता है, मगर यमुना क्षेत्र का ये विवाद फिलहाल सुलझता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा है। बावजूद इसके आए दिन यूपी और हरियाणा के किसानों के बीच खून खराबा होता रहता है। बता दें कि सोनीपत के गांव खुरमपुर के किसानों का आरोप है कि हमला हमेशा यूपी के किसानों ने किया है और कई हमलों की लाइव तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन कार्रवाई का दम भरकर अपना पल्ला झाड़ लेता है। फिलहाल जानी नुकसान से बचने के लिए सोनीपत के किसानों ने लाखों रुपए खर्च करके 2 बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर बनवाया है, लेकिन हमले पहले भी होते थे और हमले अब भी हो रहे हैं। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी TV।